पिथौरागढ़ में सभा के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से मुख्यमंत्री गहलोत पर दिए विवादित बयान पर कांग्रेस सह प्रभारी अमृता धवन ने पलटवार किया। जयपुर में उन्होंने कहा कि राजस्थान में तो राम राज्य स्थापित है, वो अपने गिरेबान में झांके, उन्हें ये बयान शोभा नहीं देता। देखिए, राम राज्य तो मैं मानती हूँ राजस्थान में स्थापित है। भाजपा को अपने गिरेबान में पहले देखना चाहिए कि देश का क्या हाल कर रखा है और देश किस जगह पे आके खड़ा हुआ है। जिस तरीके से देश के अंदर नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, जिस तरह से देश के अंदर धर्म और जाति की राजनीति के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, ये पहले भाजपा को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। और शेखावत जी भी अपने आप में एक सीनियर लीडर है, उनके मुँह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। राजस्थान के लोगों ने मुख्यमंत्री जी को इलेक्ट किया है, राजस्थान की जनता के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। इस तरीके की भाषा का उपयोग, अपशब्द करना, मैं मानती हूँ कि राजनीति के स्तर को और नीचे ले जाने का काम करता है और इससे आपसी शिष्टाचार भी खत्म होता है। इस तरीके की भाषा का उपयोग राजनीति में नहीं करना चाहिए। वो एक बहुत बेहतरीन मुख्यमंत्रियों में से हैं। कांग्रेस की योजना के ऊपर पूरे राजस्थान के अंदर आप अगर जनता से बात करेंगे तो सब लोग आज उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। तो मैं इनवाइट करूँगी शेखावत जी को, तो आइए आप भी अपने कार्यकर्ता से कहिए कि इस योजना का लाभ उठाए, क्योंकि ये सब। कांग्रेस की नवनियुक्त सह प्रभारी अमृता धवन ने जन टीवी से खास बातचीत करते हुए सरकार रिपीट होने का दावा किया। धवन ने कहा कि गहलोत सरकार ने बेहतरीन काम किया है। सचिन पायलट और सीएम गहलोत के सवाल पर भी उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। राजस्थान कांग्रेस के दो सह प्रभारी जयपुर के दौरे पे थे, अमृता धवन और वीरेंद्र सिंह राठौड़। दो दिन का फीडबैक उनकी तरफ से लिया गया, तमाम जो पदाधिकारी हैं, हालांकि कुछ एमएलएज भी यहां पर पहुंचे थे और वो फीडबैक चुनाव को लेकर दिया गया। मेरे साथ खुद अमृता धवन इस वक्त मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अमृता जी, दो दिन का आपने फीडबैक लिया, क्या संगठन को लेकर या संगठन में जो नियुक्तियाँ होनी है उनको लेकर फीडबैक दिया गया? देखिए, नहीं, अभी तो हमारी प्रथम मुलाकातें हैं, सबसे बात कर रहे हैं, किसकी क्या राय है, क्या मशवरा है, कोई सुझाव है, कोई ऐसी बात जो कहना चाहते हैं तो उनसे बातचीत की। अभी और भी ऐसी बैठकें होती रहेंगी, अब तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आज इन दो दिनों में हमने फीडबैक लिए लोगों से। एक आपसे वेद प्रकाश सोलंकी भी मिले, पायलट कैंप से वो आते हैं, क्या उनकी बातें थी, क्योंकि वो हमेशा मुखर होकर बोलते रहे सरकार के खिलाफ, कोई बातचीत हुई? देखिए, वो भी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं तो मुझसे मिलने आ सकते हैं। उन्होंने मुझसे अपने जो मन की बात है वो कही, अपनी चर्चाएं की, उनका हमने संज्ञान लिया है। जब रंधावा जी के साथ हमारी बैठक होगी औपचारिक, तो उस पर विस्तार में चर्चा होगी। कल एक बड़ी बात आपने कही कि कोई भी व्यक्ति को बात रखे थे प्लेटफॉर्म पे रखे, पार्टी का जो प्लेटफॉर्म, लेकिन मैम क्या लगता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बातें कई बार कही जाती है सचिन पायलट या दूसरे नेताओं की तरफ से, उससे पार्टी को नुकसान होता है, उसके लिए आप क्या कोई योजना बनाएंगे, क्योंकि इसी साल चुनाव होने? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि ये बात बार बार दोहराने से कोई फ़ायदा इसका नहीं है, क्योंकि सबका एक ही अहम है कि सरकार रिपीट होनी चाहिए और लोग कांग्रेस के काम को पसंद कर रहे हैं। सब लोग जब साथ मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग कांग्रेस की सरकार वापस लाएंगे, क्योंकि जनता चाहती है। राजस्थान एक मॉडल बनकर निकला है, जो पॉलिसीज यहाँ पे लागू हो रही हैं पूरे देश में किसी स्टेट ने वो लागू नहीं करी हैं। वी आर द फर्स्ट स्टेट, वी आर द मॉडल स्टेट। तो मैं मानती हूँ कि एम बड़ा है, गोल बड़ा है, ये बाकी सब चीज़ें तो परिवार में बैठ के हो ही जाएंगी बातें। अब आपने कोई टास्क सेट किया है, क्योंकि दोनों आप प्रभारी, नए इससे प्रभारी आपको लगाया गया है, इसी साल दिसंबर में टेंटेटिव चुनाव होने हैं, कोई टारगेट सेट किया कि राजस्थान में ये करने की आवश्यकता है संगठन के स्तर पर या सरकार के स्तर पर, ताकि सरकार रिपीट हो जाए? देखिए, सरकार का काम और संगठन का काम, दोनों का काम अलग होता है। सरकार अपनी योजनाएं जो है लोगों के बीच पे लेके जाती है और संगठन अपने पदाधिकारियों से चलता है। तो जो भी सरकार की योजना है उस पे संगठन को काम करना है, ताकि गांव-गांव तक वो योजनाएं पहुंचें, जितने भी लाभार्थी हैं उन तक पहुंचना है, जो वंचित रह गए उनको उस योजना से जोड़ना है, जो हमारे प्रदेश पदाधिकारी हैं, जिले में हैं, ब्लॉक में हैं, हम लोग आने वाले समय में हर असेंबली में विजिट करेंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे, पूरा ग्राउंड लेवल पे वर्क होगा और हर तरीके के सर्वेस किए जाएंगे। जितनी भी स्ट्रैटेजी, चाहे संगठन के तौर पे, सरकार के तौर पे, पार्टी के स्तर पर, जो भी मैं मानती हूँ बन पड़ेगा, वो सरकार को वापस लाने के लिए हम लोग करेंगे, क्योंकि इस समय माहौल पॉजिटिव है, लोग कांग्रेस के प्रति खुश हैं, ये कम ही होता है, आप भी जानते हैं राजस्थान की।